Assalamualaikum everyone, start karte hain aaj. In our last session, we started the chapter that is called Von Neumann Architecture. मैंने आप लोगों को बताया था कि there are different types of registers. हम लोगों ने सारे registers one by one देखे थे. Then we talked about बच्चों fetch, decode, execute cycle. Then we talked about बच्चों के अगर आपके पास fetch, decode, execute cycle के अंदर interrupts आ जाएं, so how your cycle is going to react. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आज जितना मैक्सिमम हम लोग ये चैप्टर कवर कर सकते हैं वी आर गोइंग टू कवर दैट. अब स्टार्टिंग फर्स्ट विद अ टॉपिक बच्चों, दिस इज कॉल्ड Let me share the link on the WhatsApp group as well, बच्चों. कर दिया भाई, ठीक है भाई. So now बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जरा about a topic that is called register. Transfer. Notation. रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन बच्चों, आप लोग के ओ लेवल कंप्यूटर साइंस के सिलेबस का पार्ट नहीं था. ये एक ऐसा मेथड है बच्चों, इट्स अ मेथड टू रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ values between registers during fetch, execute cycle. So, बच्चों, it's a method to represent the movement of values between the register during the fetch, decode, execute cycle. अब देखिए, बड़ा चार लाइनों का टॉपिक है सिर्फ ये, सिर्फ चार लाइनों का टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में जब सवाल आता है तो एग्जामिनर अवार्ड करता है आप लोग को एक लाइन लिखने के, तीन नंबर, पांच नंबर, छह नंबर. सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने यहां पे पहली स्टेटमेंट लिखी, एम ए आर. बच्चों, इफ यू पीपल Remember the fetch, decode, execute cycle. आप लोग को याद होगा, the movement was PC कहाँ पे जाता है, towards MAR. MAR कहाँ जाता है, towards MDR. MDR कहाँ पे जाता है, towards CIR. Then we are having PC plus one, then decode, execute, and then we check for the interrupts. So यही चीज मैं यहाँ पे अब represent करूँगा. MAR के अंदर value copy की जाती है of the register that is called प्रोग्राम काउंटर. सो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स बच्चों आप लोग के पास रिप्रेजेंट करते हैं दैट द कॉन्टेंट्स ऑफ पीसी आर कॉपी टू एम ए आर. तो वॉट एवर द वैल्यू बच्चों वॉज इन एम आर पी सी, जो भी वैल्यू थी प्रोग्राम काउंटर के अंदर, वो मैंने कहां पे कॉपी करवा दी, एम ए आर के अंदर कॉपी कर दी. ठीक है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि पीसी के कॉन्टेंट्स को आपने कॉपी करवा दिया एम ए आर के अंदर. अगर एग्जाम में सवाल आया, उसने बोला भाई यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस दे दी, उसने बोला ये सेंटेंस कंप्लीट करो, आपने बोला भाई पीसी, तो बच्चों जीरो मार्क्स. आपने लिख दिया पीसी राउंड ब्रैकेट्स, जीरो मार्क्स. आपने लिख दिया बच्चों पीसी क्रोकोडाइल ब्रैकेट्स, जीरो मार्क्स. सिर्फ मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे बच्चों व्हेन यू आर गोइंग टू राइट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. ठीक है, इट्स अ मेथड, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन मेथड. नाउ द नेक्स्ट
next thing virtue that we do, the next statement that we have is PC is equals to PC plus 1. PC is equals to PC plus 1. Iska matlab kya hai bachcho is line ka? This means the contents of program counter are incremented. Are incremented bachcho by plus 1 and stored back to program counter again. So bachcho, what I did, maine yahan pe program counter ke contents ke andar ek plus 1 karo aur wapas se kahan store kar diya. प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर कर दिया, दैट्स इट. ठीक है, अब द थर्ड स्टेटमेंट बच्चों इज द मेन. थर्ड स्टेटमेंट मेन है आपके पास यहां पे, लेट्स सी. आप लोग को पता है NAR की फुल फॉर्म, एनीवन? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. भाई जो नाम है, नाम के एड्रेस को एड्रेस होल्ड करेगा. अनदर वर्ड इज मेमोरी डेटा रजिस्टर. मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या होल्ड करेगा? डेटा होल्ड करेगा, ऑब्वियस सी बात है. तो बच्चों, अब अगर मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिखता हूं आप लोग के सामने, एम डी आर इज इक्वल्स टू एम ए आर ब्रैकेट्स, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मींस? इसका मतलब क्या होगा? आप लोग ऊपर स्टेटमेंट्स देखते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? जी, ठीक है. तो बच्चों, हमारे पास मुइस अफान ने बताया कि सर द कंटेंट्स ऑफ एमएआर आर कॉपीड टू एमटीआर. बच्चों, एमएआर के कंटेंट्स क्या होते हैं? एड्रेस होता है. अब मैं एड्रेस कॉपी कर दूं अगर डेटा के अंदर, तो दैट इज रॉन्ग, गलत है. तो हम लोग क्या करते हैं, वी यूज डबल ब्रैकेट्स लगा के. बच्चों क्या होगा, आप पहले उस एड्रेस के ऊपर ट्रेवल करेंगे और उस एड्रेस के कॉन्टेंट्स को कॉपी करेंगे आप एमडीआर के अंदर. आप एड्रेस कॉपी नहीं करेंगे. तो इसको जरा वर्डिंग की फॉर्म में लिख लें, वी मूव टू द एड्रेस pointed by MAR and copy the contents of the given address to MDR. तो ये बात समझ में है आपको डबल ब्रैकेट्स की? आप पहले एड्रेस पे मूव करेंगे, जो भी कंटेंट आपका MAR के अंदर एड्रेस होगा उस एड्रेस मूव करेंगे. उस एड्रेस मूव होने के बाद आप वहां का जो डाटा रखा होगा डाटा कॉपी कर देंगे कहां पे? MDR के अंदर. ठीक है, एंड द लास्ट वन बच्चों इज द इजीएस्ट वन, दिस इज CIR एंड MDR सिंगल ब्रैकेट्स. सो आई थिंक आप लोग खुद भी लिख सकते हैं. अब ये इसका मतलब है कॉन्टेंट्स ऑफ एमडीआर आर कॉपीड
2CIR. ठीक है भाई, सो दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट टॉपिक आज का, रजिस्टर्ड ट्रांसफर नोटेशन. क्या ये टॉपिक है क्या कि आप किस तरह अपना डाटा मूव करते हैं बिटवीन द रजिस्टर्स, MAR से MDR, CIR एंड सो ऑन. तो ये सारी आप लोग को मूवमेंट आनी चाहिए और ये सारी डायग्राम आनी चाहिए. जो मैं आप लोग को चार नंबर का सवाल बता रहा था, एग्जामिनर ने यहाँ पे ब्लैंक लाइन दी, आपको ये कंप्लीट करना था. एंड व्हाट यू कैन एज्यूम बच्चों कि सिर्फ ये MAR और डबल ब्रैकेट्स बनाने के ऊपर एग्जामिनर अवॉर्डेड 4 मार्क्स. लेकिन अगेन, जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उन्हीं ने डबल ब्रैकेट बनाए होंगे, जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो बच्चों डबल ब्रैकेट उन्होंने नहीं बनाए होंगे. ठीक है, सो जिन बच्चों ने अगर सिर्फ यूं कर दिया MAR तो एग्जामिनर लिखा मैंने उसको 0 अवार्ड करा. जिन बच्चों ने लिखा MAR सिंगल ब्रैकेट 0 मार्क्स और एनी अदर, सिर्फ आपको इसी चीज के ऊपर क्या करेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहां पे. अब आफ्टर रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन, अब हम लोग बात करते हैं यहां पे अबाउट मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. लेट्स टॉक अबाउट बच्चों मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. ठीक है भाई, सो आप लोग क्या सोच रहे हैं, मैं इतनी देर ड्राइंग बना रहा था तो मैं आप लोग को टाइम दे रहा था. प्लीज बताएं आप लोग मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. रैम, चलो आई विल बी राइटिंग योर आंसर. अब मैं ऑनलाइन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, जरा मुझे बताएं द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. वन ऑफ देम बच्चों ऑफ कोर्स दिस इज मेमोरी. ऑनलाइन भाई जो बच्चे बैठे हुए काइंडली बताएं जरा मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. एनीवन, कौन है मदरबोर्ड वाला भाई? एएलयू? नो. प्रोसेसर, चलो जेन, यस योर आंसर इज राइट. सो सीपीयू, यस आप लोगों ने भी बता दिया था, आई नो सीपीयू इज अगेन. तो भाई प्रोसेसर हो गया, रियान, जेन, मेमोरी हो गई, आखिरी बचा है. चले अच्छा, अगर आप लोगों को मजाक करना हो आप क्या बोलते हैं मेजर कंपोनेंट को? मजाक करने में जीयूआई बोलते तुम. रैम मेमोरी के अंदर आ जाएगी, अजान रैम. अगर ऐसी मजाक करना हो फिर आप लोग सोचे टीचर से आज मजाक करते, मेजर कंपोनेंट ये बोल देंगे. पीसी तो पूरा ही हो गया ना, मॉनिटर. तो बच्चों दैट्स द राइट आंसर. इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो भाई मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ये सब क्या है? ये भी आपके पास काउंट होते हैं एंड दे आर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. खैर, सो अब देखो इन तीनों मेजर कंपोनेंट्स के बिटवीन ना आपको डेटा की मूवमेंट करनी होती है. डेटा आपको यहां से वहां मूव करना होता है, तो इसके लिए बच्चों हमें बसेस चाहिए होती हैं. दिस इज पार्ट ऑफ योर ओ लेवल्स एग्जाम एज वेल. लेकिन अगेन मैंने आप लोगों को पहले दिन एक बात करी थी कि अगर आपके सिलेबस में एक डॉट भी है तो मैं पढ़ाऊंगा. मैं ये आप लोग से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप लोगों ने ओ लेवल में पढ़ा मैं डायरेक्ट आगे बढ़ जाऊँ. नो, अगर आपके सिलेबस में एक डॉट भी है तो हम लोग वो डॉट भी कवर अप करेंगे. सो चले, मैंने पहले ही आपके लिख दी डेटा बस, आपने एड्रेस बोला तो
डेट ऑफ बर्थ, अनदर कोई बच्चों कंट्रोल बस, अनदर बस विल बी, और कौन सी बस है हमारे पास, एड्रेस बस। ऑल टुगेदर बच्चों इन तीनों बसेस को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं सिस्टम बसेस। अब सिलेबस की रिक्वायरमेंट क्या है, आप लोग को सारी बसेस की मूवमेंट पता होनी चाहिए और आप लोग को सारी बसेस के अंदर बच्चों डेटा ट्रांसफर, मतलब आप लोग को सारी बसेस की बेसिक फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए। एग्जामिनर कभी देता है एड्रेस बस को एक्सप्लेन करें या डेटा बस को एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जामिनर दे देता है। स्टार्टिंग विद द डेटा बस, दिस इज बाई डायरेक्शनल विद सीपीयू, बाई डायरेक्शनल विथ मेमोरी, बाई डायरेक्शनल विथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी बच्चों डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं डेटा बस के ऊपर, एंड डेटा बस भी आपके पास डायरेक्टली अप्रोच कर सकती है टूवर्ड्स देम। कंट्रोल बस बाई डायरेक्शनल विथ सीपीयू, बाई डायरेक्शनल विथ मेमोरी, एंड बच्चों बाई डायरेक्शनल विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो बच्चों इन दोनों का तो आप लोग को याद हो ही गया होगा, इन दोनों का तो आपको पता चल गया, बड़ा सिंपल है। आप लोग को याद रखना है अबाउट एड्रेस बस, सीपीयू कम्युनिकेट कर सकता है बच्चों एड्रेस बस के साथ डायरेक्टली, बट एड्रेस बस वापस से सीपीयू के पास डेटा लेके नहीं जा सकती, एड्रेस लेके नहीं जा सकती, तो दिस इज यूनिडायरेक्शनल। सिमिलरली एड्रेस बस बच्चों कैन मूव टूवर्ड्स मेमोरी, बट मेमोरी से कोई एड्रेस आपके पास एड्रेस बस के अंदर वापस से रिवर्ट बैक नहीं हो सकता, एंड सिमिलरली सेम फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जी तो अब जल्दी से सारी बसेस की फंक्शनैलिटी लिख लें बच्चों अपने पास, स्टार्टिंग विद ये डायग्राम, आई थिंक सबको क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान सी है, बस एड्रेस बस की मूवमेंट याद रखिएगा, ठीक है। द मेन स्टफ इन दिस डायग्राम इज द मूवमेंट ऑफ द एड्रेस बस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बच्चों डेटा बस के बारे में, लिख लें जरा यहाँ पे जल्दी से। Bidirectional used to carry data instructions as well as एड्रेसेस। मैं एक कॉलेज में पढ़ा रहा था, वन ऑफ आवर स्टूडेंट, उन्होंने सवाल किया, दैट क्वेश्चन बच्चों वॉज, उन्होंने बोला कि सर डेटा बस एड्रेस कैरी कैसे कर सकती है। मैं बोला कर लेती है, कभी कभार अगर हमें रिक्वायरमेंट हो तो वो कर लेती है एड्रेस एड्रेसेस कैरी भी। तो बोला नहीं सर, तो फिर वो तो एड्रेस बस करती है, डेटा बस तो डेटा कैरी करें। तो मैंने उनको एग्जाम्पल दी, मैंने बोला भाई लेट्स से आप वैन से घर जाती है, हाँ वो भी एक इंस्ट्रक्शन आपका डाटा होता है। तो मैंने बोला आप एज्यूम करें आप वैन से घर जाती है, वैन आनी थी 5 बजे, आपके पेरेंट्स आ गए 3 बजे, आपकी क्लासेस नहीं आ गए, तो आप क्या अपने पेरेंट्स को मना कर देंगे, नहीं वैन का काम है घर ले जाना, आप लोग घर लेके मुझे नहीं जा सकते, ठीक है। ऑफकोर्स आप 3 बजे भी क्या कर सकते हैं वापस
ट्रेवल करके घर जा सकती है। तो कभी कभार क्या होता है, अगर एड्रेस बस बिजी है तो हम डेटा बस के थ्रू भी क्या करते हैं, एड्रेस को सेंड कर देते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, बस विथ इज इंपॉर्टेंट। बस विथ को एक्सप्लेन करने के लिए बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। तुम्हें चोट कैसे लगी लबीक, चोट कैसे लगी, तुम भी बाइक पे थे, ठीक है। अब ये बताओ कि मैं तुम्हें अगर रिक्वेस्ट करूं कि साइड ये जो ये वाला रोड है इस पे 100 की स्पीड पे बाइक चलाओ, चला सकते हो? अच्छा नहीं, तुम चला लोगे भाई, तुम्हें तो लग गई है। तो बच्चों अगर मैं बोलूं चले ये टीसीआर की जो गली है इस पे आप 100 की स्पीड पे बस चला ले तो बाइक चला ले, तो आप नहीं चला सकते, जगह नहीं है, आपकी विड्थ कम है। लेकिन अगर मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूं भाई शारे फसल पे चला ले तो आप आराम से, आपको रूम अवेलेबल है, आप चला। तो जो बस विड्थ यही है कि अमाउंट ऑफ डेटा एक साइकिल के अंदर आप कितना डेटा कैरी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द बस विड्थ। सो इसको नोट कर ले जरा अपने पास। अमाउंट ऑफ डेटा अ बस कैन कैरी in one cycle. That was about the data bus. Next, address bus. Bachcho, this is unidirectional carry addresses यहां पे भी बच्चों बस वेट इज इंपॉर्टेंट। अब आप लोग के माइंड में होगा सर आपने ऊपर बताया डेटा बस के अंदर बस वेट इंपॉर्टेंट थी बिकॉज अमाउंट ऑफ डेटा आप कैरी कर रहे थे एक साइकिल के अंदर, सर एड्रेस की बस विड्थ जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बच्चों ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट टेल्स हाउ मैनी एड्रेसेस a CPU can access directly. CPU कितने addresses बच्चों directly access कर सकता है, वो कौन, जितनी ज्यादा बड़ी बस width होगी address bus की उतने ज्यादा addresses आप एक cycle के अंदर cater कर सकते हैं। And the last bus बच्चों is control bus. कंप्यूटर साइंस में सबसे अच्छी बात है जो नाम होते हैं ना आधी मीनिंग तो वही होती है आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम। तो भाई कंट्रोल बस क्या करेगी, कैरी कैरी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, कॉपी कर लिया आप लोगों ने एड्रेस बस। सो अगेन this is bidirectional, carry instructions to other components अब यहां पे बच्चों एक अलग बात है थोड़ी सी तो जो आपको पता होनी चाहिए, ऑल्सो कैरी
टाइमिंग सिग्नल्स। अब ये टाइमिंग सिग्नल्स क्या होते हैं बच्चों, ये टाइमिंग सिग्नल्स क्या होते हैं, इसकी अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, मैंने रिक्वेस्ट करी सुल्तान क्लास से बाहर जाओ, सुल्तान ने बोला ठीक है, सुल्तान ने बोला भाई सर मैं क्लास से बाहर गया, फिर मैंने गेट खोला, कैसा लगा आप लोगों को ये? ठीक है, तो अच्छी एग्जांपल थी भाई। तो बच्चों अगर आप पहले गेट नहीं खोलेंगे और आप अगर ये बोलते हैं भाई पहले बाहर चले गए फिर गेट खोला, तो आपके इंस्ट्रक्शंस आर अनसिंक्रोनाइज्ड। अगर आपके इंस्ट्रक्शंस अनसिंक्रोनाइज्ड होंगे आपका सिस्टम पहली फुर्सत में क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सुल्तान गेट की तरफ मूव कर रहे तो बच्चों आपके सीपीयू को पहले गेट खोलना है उनके पहुंचने से पहले। ठीक है, सो टाइमिंग सिग्नल्स क्या होते हैं आपके पास, यूज टू मेंटेन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एल्स सिस्टम विल क्रैश। अब बच्चों बस इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक्स और रहते हैं हमारे पास, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, लेट्स सी। हमेशा फिक्स होती है जनरली 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स, डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर्स वेरी करती है आपके पास। आजकल वैसे 64 या 32 बिट्स के आते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके पास, अब कंप्यूटर के ऊपर वेरी करता है, आपके बैकएंड के ऊपर, आपके जो मैन्युफैक्चरर है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसने क्या सेट की है बैकएंड के ऊपर। 16 32 भी कर सकता है, 32 64 भी कर सकता है। ठीक है, वो आपको बोले कि भाई मैंने, आप लोगों ने सुना नहीं 32 बिट प्रोसेसर 64 बिट प्रोसेसर, तो वो यही होता है कि एक साइकिल के अंदर कितनी बिट्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ठीक है, तो डेटा 64 हो सकता है, डेटा के ऊपर हम लोग ज्यादा एम्फसाइज कर रहे होते हैं, बैकएंड के ऊपर वो एड्रेस को 32 कर सकता है वो, लेकिन 64 ही करते वैसे तो असूलन अच्छी बात है, लेकिन कर सकते हैं वेरी, कोई फिक्स रूल नहीं है ये हमारे पास। लेकिन जो आपको वो बोलते हैं ना कंप्यूटर की 64 बिट, तो वो डेटा बस की बात करना होता है कि 64 बिट्स एक साइकिल के अंदर कैरी कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, एंड एक सेकेंड के अंदर मिलियंस ऑफ साइकिल्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड लास्ट टॉपिक बच्चों, एक डायग्राम के ऊपर हम लोग को काम करना है इस के अंदर, अ वेरी बेसिक डायग्राम। एंड कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि सीपीयू मतलब वॉन न्यूमन के सीपीयू के कौन कौन से कंपोनेंट पार्ट है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बच्चों मैं वॉन न्यूमन का सीपीयू क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पे, the first thing that you have is memory unit, another one bachcho you have is
कंट्रोल यूनिट. अनदर वन बच्चों यू हैव इज अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट. ठीक है सकीना बेटा, आपने बता दिया सर. मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, गुड. आपने इसका मतलब ओ लेवल्स के अंदर अच्छा पढ़ा हुआ है. सी नाउ, अब बच्चों आपके पास यहां पे एक होती है क्लॉक. वी कॉल दिस क्लॉक एज सिस्टम क्लॉक. सिस्टम क्लॉक के बाद बच्चों आप लोग के पास एक और चीज होती है यहां पे, दैट इज कॉल्ड अदर रजिस्टर्स. अब बच्चों जरा बात करते हैं यहां पे रिगार्डिंग द रजिस्टर्स. तो मेमोरी यूनिट के अंदर दो रजिस्टर्स होते हैं, एक कहलाता है एम ए आर एंड द अदर वन बच्चों इज कॉल्ड एम डी आर. तो ये दोनों रजिस्टर्स मेमोरी यूनिट के अंदर फॉल करते हैं. कंट्रोल यूनिट के पास बच्चों दो रजिस्टर्स होते हैं, द फर्स्ट वन इज प्रोग्राम काउंटर एंड द नेक्स्ट वन इज सी आई आर. एएलयू के अंदर बच्चों एक आपका रजिस्टर होता है एंड दैट इज ए सी सी. Anyone? ACC? Accumulator. तो बच्चों this is, मतलब ये सारे आपके von Neumann के पार्ट है. इसके अलावा अगर कोई component आए exams के अंदर तो आप लोग अच्छी तरह लिख सकते हैं कि they are not part of von Neumann architecture. ये आपके CPU का पार्ट नहीं है. Like RAM, hard disk, ROM, ये सब आपके CPU का पार्ट नहीं है. प्रोसेसर के अंदर सिर्फ ये चीजें आती हैं आपके पास. ठीक है, सो जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रैम. मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे लिखते हैं कि रैम भी इसका पार्ट है. नो, रैम इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रोसेसर, अलग से कंपोनेंट है ये. तो बच्चों अब फेच एग्जीक्यूट साइकिल जरा ड्रॉ करते हैं यहाँ पे एंड मूवमेंट शो करते हैं हाउ द मूवमेंट गोज ऑन. रैम से आप लोग कहां मूव करते हैं बच्चों? टूवर्ड्स पीसी. पीसी से बच्चों आप लोग का डाटा कहां जाता है? टूवर्ड्स एम ए आर. एम ए आर से बच्चों ये आप लोग का डाटा कहां मूव करता है? एम ए आर से बच्चों ये आप लोग का डाटा कहां पे मूव करता है? दिस डाटा बच्चों मूव टूवर्ड्स फ्रॉम एम ए आर टूवर्ड्स एम डी आर. एम डी आर से बच्चों ये आप लोग का डाटा मूव करता है टूवर्ड्स सी आई आर एंड देन यहीं पे आप लोग के पास आपके इंस्ट्रक्शंस को डीकोड किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है. आफ्टर दिस बच्चों ये सिस्टम क्लॉक डायरेक्टली कनेक्टेड होती है विद द कंट्रोल यूनिट एंड दीज अदर रजिस्टर्स आर ऑल्सो कनेक्टेड विद विद अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट एज वेल एज कंट्रोल यूनिट के साथ ये आपके पास क्या होते हैं? दे आर बीइंग कनेक्टेड. सो दिस कंप्लीट्स बच्चों अनदर स्मॉल एक छोटी सी डायग्राम आपके पास ऑफ वॉन न्यूमन मॉडल के किस तरह आपके पास मूवमेंट होती है आपकी बिटवीन द यूनिट्स. अब आप लोग बच्चों यहां पे हर यूनिट को क्या करते हैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करते हैं. इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ योर सिलेबस कि आपको हर यूनिट के बारे में दो तीन बातें पता होनी चाहिए. सो स्टार्टिंग विद मेमोरी यूनिट फर्स्ट. डायग्राम बना लिया आप लोगों ने? मतलब पिक्चर ले लिया कुछ? आई विल शेयर द पीडीएफ विद यू पीपल एज वेल. सो बच्चों व्हेन वी टॉक अबाउट द मेमोरी यूनिट, सो मेमोरी यूनिट के हमारे पास दो मेजर फंक्शन होते हैं बच्चों. द फर्स्ट वन इज स्टोर्स
डेटा परमानेंटली इनटू सेकेंडरी स्टोरेज, फेचेस डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज इंटू रैम फॉर एग्जीक्यूशन पर्पस। MAR and MDR are part of this यूनिट के लिए आप लोग को ये सारी बातें क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए। After memory unit, we are having another unit. हमारे पास दो units बच्चों अभी रहते। One of the unit बच्चों is called control unit and the other unit बच्चों is called arithmetic logic unit. ये दोनों units बच्चों हम लोग अब अगले parent teachers meeting policy इसको आगे ब्रीफ कर दूं। फिर हम लोग एक नया चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम। आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम आफ्टर सिक्योरिटी एंड एथिक्स आफ्टर सिक्योरिटी एंड एथिक्स एंड कंट्रोलिंग सिस्टम हमारा पेपर वन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। पांच नहीं चले आप लोग आठ कर लें बिकॉज एक क्लास के अंदर मैं आप लोगों को पास पेपर्स भी क्या करवाऊंगा सॉल्व करवाऊंगा। तो वंस वी आर डन विद द पास पी वन फिर मैं आप लोगों को टोटली मूव कर दूंगा टुवर्ड्स पेपर टू। फिर हम लोग दिन रात सोना पीना खाना जागना सिर्फ पेपर टू के ऊपर बात करेंगे। तो आज यहीं तक होल्ड करते हैं इंशाल्लाह तआला हम इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे।